कितने साल से हो रहा है सिर में दर्द आपको? सिर में दर्द करीब हो रहा है, तो जरा थ्रोट इन्फेक्शन भी रहता है और गले में खराश हुआ, हमेशा गला दर्द दर्द करता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। क्या हो गया 2008-09 में, कैसे स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम? मतलब पहले धीरे धीरे था, ज्यादा सर दर्द नहीं करता, हल्का हल्का तो थोड़ा बहुत मतलब दवा ले लेते थे, सही हो जाता, लेकिन इधर 4 साल से 3 साल से बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या होता है, कहाँ से चालू होता है? यहाँ पे यहाँ दर्द होता है ये। हाँ हाँ, और कहाँ तक जाता है वो दर्द? तो मतलब बैक साइड भी होता है, जब मतलब की टेंशन उन्शन हो जाता है तो बैक साइड भी होता है यहाँ पर, और यहाँ होता है और नोज यहाँ पर भी होता है, यहाँ अच्छा आँखों पर। हाँ हाँ, और कहाँ होता है? और गले में खराश रहता है और सांस लेने में दिक्कत बहुत आती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब कभी कभी सब बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगता है। और पेट भी खराब रहता है, पेट भी रात को कभी कभी। कैसा रहा हेडेक, कैसा रहा आपका ये हेडेक? दिक्कत है मतलब अभी भी सही नहीं हुआ, लेकिन कितना परसेंट कम हुआ है? कम तो अभी कुछ नहीं हुआ है, वही है सेंसिटिव जो लाइट वेट पड़ रही है और साउंड की भी सेंसिटिव हो जा रही है तो भी दर्द हो रहा है, लेकिन मतलब नींद उसमें सब सही है। क्या क्या फायदा हुआ आपको उस दिन? फायदा ये हुआ कि नींद सही आ रही है, एकदम फिट हो गई नींद, और ये खाने वाला पाचन उचन सब सही हो गया है। और क्या, कंसंट्रेशन में कमी थी आपकी, डिप्रेशन रहता था अकेले, सब सही हो गया सर। बस ये माइग्रेन वाली दिक्कत हो रही है आँखों के सामने। और कुछ, और कोई तकलीफ अभी जो माइग्रेन होता है इसकी क्या बात होती है, क्या चीज से होता जैसे है? जैसे मतलब कि अगर जैसे धूप में अगर चले गए तो, या फिर लाइट अगर ज्यादा पड़ी सुबह सुबह, अगर 9 बजे उठ मतलब कि 7 बजे उठ जाता हूँ मैं, तो अगर लाइट में जाता नहीं हुआ मैं धूप में, क्योंकि धूप पर थोड़ा भी लगता है तो फिर दर्द करना शुरू कर देता है ये राइट साइड में पूरा, ये नाक पूरा ये दर्द करता है। और क्या, हाँ, और ये साउंड उनकी जैसे पीछे से अभी ट्रक आई एकाएक मतलब साउंड दे दिया तो उससे एकदम मतलब ट्रिगर कर जाएगा, ये सर दर्द होने लगेगा। अच्छा, और तो बस सही है अभी, बस सिर दर्द के कारण ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, तो सब सही है, डिप्रेशन ये सब 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 ठीक हो गया, अब तो जाड़ा भी खूब हो गया। तो कैसा रहा सब साइनसाइटिस आपका? ये ठीक और नहा वाले रहो, कोई दिक्कत नहीं, नहा ले रहे हैं। और सर्दी खांसी कुछ? और जो सिर में भारीपन लगा रहता था वो सब? नहीं। व्हाट अबाउट योर डिप्रेशन एंड दिस कॉन्फिडेंस लेवल? पता नहीं सर, कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ फर्क पड़ रहा है। अच्छा, देखो यहाँ से हम बाल चेंज करते हैं तो आपको डिफरेंस महसूस चलता है? हाँ, डिफरेंस महसूस पता चलता है। इस बार जैसे पिछले महीने आपकी चल रही थी वो साइलिशिया, इस बार स्टेप्सैग्रिया चल रही थी, इसमें दोनों में आपने क्या अंतर महसूस किया? आपने पहले भी थोड़ा सा ठीक तो आराम तो हुआ था आपको? आराम तो है, मतलब आराम तो था पहले ही से, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या क्या चीज में ज्यादा? हर चीज में फायदा हो रहा है, मतलब फीलिंग भी थोड़ी थोड़ी हो रही है और समझ ही सकते हैं। और माइग्रेन नहीं होता ना? नहीं, सिर दर्द नहीं होता, कभी कभी वो सब सब सही हो गया, नाक से पानी जो मतलब ठंडी में अब दिक्कत होती थी, इस बार ठंडी में कोई दिक्कत नहीं, पूरा ठंडा निकल गया, ठंडा एकदम मतलब ठंडे पानी से मैं नहाया हूं, जान उसके कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन सही हो गया सब कुछ। अच्छा, भूख सही हो गई, हेडेक ये था पहले राइट साइड में इधर, वो भी सही हो गया। कॉन्फिडेंस? अरे वो सर तो इम्प्रूव हुआ है पहले।